जैदी साहब कह रहे हैं गुड मॉर्निंग टू मनी नाइन टीम, वेरी गुड आफ्टरनून टू वसीम जाब, आपको भी। जैदी साहब, आज ही आपका सवाल ले लिया जाएगा, लेकिन आपने जो कम से कम चार पांच सवाल पूछे हैं उनमें से कुछ एक सवालों को शामिल कर लेते हैं। दो सवाल ले लेते हैं, एक तो NHPC और PFC पे भी बात तो हो गई है तो PFC रहने देते हैं, और दूसरा SJVN। SJVN पे हालांकि आप बजिंग में भी चर्चा करेंगे, लेकिन ठीक है, आपके दो सवाल ले लेते हैं, आपने चार सवाल भेजे। तो NHPC इन्होंने 90 पे ले रखा है सर, और SJVN 135 के भाव पर ले रखा है। SJVN को अभी हम बजिंग में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बात कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए सर। NHPC में हुआ क्या, अब ये सुस्ती इसकी कब टूटेगी, क्योंकि आज भी अगर हम देखें 93-94 के आसपास ट्रेड करता हुआ, 108 भी गया, 110 भी क्रॉस किया, लगा कि अब 120 जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि शेयर नीचे आ जाता है। अभी क्या करना चाहिए, क्या एक बार के लिए निकल जाए, या अभी आपको लगता है भरोसा है NHPC के ऊपर, क्या सलाह रहेगी? इन्होंने भी ले रखे हैं और इनकी खरीद के भाव से अगर हम देखें तो 1-2 रुपये ही नीचे रह गया, 1-2 रुपये ही ऊपर रह गया है 93 के आसपास, सलाह क्या रहेगी सर आपकी? जी, तो देखिए, अगर आप NHPC को देखिए तो यहां पर कहीं ना कहीं एक डिसेंट ब्रेकडाउन देखने को मिला है। सब अच्छे सपोर्ट लेवल्स का मींस अगर आप देखें तो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक खिसक गया है। मैं दर्शकों को इन जनरल बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत भी चार्ट देख लेते हैं अगर जिन लोगों को इस बाजार में 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं टूटना चाहिए। अगर किसी स्टॉक पर टूट गया तो देयर सम फंडामेंटल रीजन। तो अगर आप स्टॉक से निकलना चाहें तो आप बिल्कुल निकल सकते हैं। अगर आप कहीं और एंट्री लेना चाहें तो मैं आपको पावर के, आप देखिए टोरेंट पावर के रिजल्ट बेहतरीन रहे हैं, आप देखिए CESC के रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं, SJVN में क्या बेहतरीन अभी भी बाय ऑन डिप्स का माहौल बना हुआ है, NTPC पावर ग्रिड, ये पांच स्टॉक है जिसमें से आप पकड़ लें सर, जहां आपको ठीक लगे वहां निवेश कर लें। थोड़ा लंबा नजरिया रखें तो आपको ज्यादा फायदा होगा। मतलब अगर 6 महीने का भी रखेंगे तो इन पांचों में से कोई स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। NHPC में स्ट्रेंथ तब आएगी जब ये दोबारा 50 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज, 50 वी एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के ऊपर चलेगा, मतलब 100 रुपए के भाव के ऊपर दोबारा सस्टेन होगा। तब तक थोड़ी गिरावट हो सकती, हो सकता है गिर गिरा के 90 पर भी आ जाए।